Firstly, glossograph, glossography, glossographer, glossopathy and glossolabia and glossology. Guys, इसी तरीके से glosso यानी language related बहुत सारे ऐसे words हैं जो कि शायद आपको नहीं पता. अगर आप नहीं जानते तो देखते रहिए videos को इन तक. Guys, my name is Jitendra and यहाँ पर आप सीखते हैं English related बहुत सारी चीज़ें basics to advanced level. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो guys, सबसे पहले हमारे पास है जेनोग्लॉसोफोबिया. क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या आता है? जेनोग्लॉसोफोबिया का मतलब, सबसे पहले जेनो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फॉरेन. ग्लॉसो का मतलब लैंग्वेज होता है, फोबिया का मतलब फियर होता है, फियर होता है. क्लियर? इट मीन्स दैट अगर आप डरते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज को बोलने से या सीखने से, बोलने से, तो उसको क्या कहेंगे? जेनोग्लॉसोफोबिया, इस तरीके से बोलेंगे. एक हमारे पास और होता है जो होता है ग्लॉसोफोबिया. ग्लॉसोफोबिया मीन्स होता है ग्लॉसो मीन्स, एज आई टोल्ड यू हियर दैट ग्लॉसो मीन्स होता है लैंग्वेज एंड फोबिया मीन्स होता है फियर. इट मीन्स दैट अगर आपको डर लगता है लैंग्वेज से, न्यू लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, इट मीन्स दैट यू हैव ग्लॉसोफोबिया. आपके पास क्या है? ग्लॉसोफोबिया. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसको कहते हैं एंग्लोफोबिया. इफ़ यू रियली फियर विद द इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, इसका मतलब क्या है आपके पास? आपके पास है एंग्लोफोबिया. क्या है? एंग्लोफोबिया. नेक्स्ट आई हैव दैट वर्ड दैट्स कॉल्ड एक्चुअली लिंग्वोफोबिया. व्हाट इज कॉल्ड लिंग्वोफोबिया? इफ़ यू आर जस्ट लर्निंग नो लैंग्वेज एंड यू आर फियरिंग विद एनी लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज से डर लगता है, इसका मतलब है कि आपके पास कौन सी बीमारी है? यू हैव लिंग्वोफोबिया. क्या आपके पास? लिंग्वोफोबिया. नेक्स्ट एक्चुअली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट दैट. दैट्स कॉल्ड एक्चुअली लोगोफोबिया. व्हाट इज कॉल्ड दैट? दैट्स कॉल्ड लोगोफोबिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगोफोबिया? लोगोफोबिया का मतलब, लोगो का मतलब वर्ड होता है एंड फोबिया का मतलब होता है फियर. इट मीन्स दैट इफ यू फियर विद वर्ड्स, अगर आपको शब्दों से डर लगता है, इट मीन्स दैट यू हैव अ डिजीज दैट्स नेम इज एक्चुअली लोगोफोबिया. उसको क्या कहते हैं? लोगोफोबिया कहते हैं. नाउ आई हैव टेकन फॉर यू द नेक्स्ट, दैट्स कॉल एक्चुअली फियर ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड. अगर आपको लंबे शब्दों से डर लगता है, बहुत सारे लंबे शब्द अगर बड़े बड़े आ जाते हैं, आपको डर लगता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस किप्पेडालियोफोबिया. फिर से हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस किप्पेडालियोफोबिया, इस तरीके से प्रोनाउंस करा जाता है इसको. इसका मतलब होता है फियर ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड, लंबे शब्दों से डर. एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं लोगोमेसिया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोगोमेसिया? इट मीन इफ़ यू आर इरिटेटिंग विद एनी लैंग्वेज और विद लैंग्वेज, सो दैट्स कॉल एग्जैक्टली, ये इसको कहते हैं, सॉरी, इफ़ यू इरिटेटिंग विद एनी वर्ड्स, दैट्स कॉल एक्चुअली लोगोमेसिया. अगर किसी शब्द से आपको क्या करता है, इरिटेशन होती है, बुरा लगता है, डर लगता है, खराब लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? लोगोमेसिया, इस तरीके से बोलते हैं. नेक्स्ट प्लीज लेट मी स्टार्ट दैट, जो मैं स्टार्टिंग मैंने कहा था लोगो, क्या कहता है? ग्लॉसोलॉजी. तो ग्लॉसोलॉजी का मतलब, ग्लॉसो का मतलब एज आई टोल्ड यू अबाउट द लैंग्वेज, ग्लॉसो मीन्स लैंग्वेज होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होता है. स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्लॉसोलॉजी, इस तरीके से बोलते हैं. नेक्स्ट आई हैव टेकन फॉर यू दैट्स का ग्लॉसरी. ग्लॉसरी मीन्स होता है, यू कैन से दैट डिक्शनरी, एग्जैक्टली द डिक्शनरी ऑफ द वर्ड्स लाइक दैट. ओके, तो ग्लॉसरी मीन्स होता है डिक्शनरी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, डिक्शनरी को क्या बोलेंगे? ग्लॉसरी, इस तरीके से बोलेंगे. नेक्स्ट आई हैव टेकन फॉर यू दैट्स कॉल्ड एक्चुअली ग्लॉसोग्राफर. ग्लॉसो मीन्स लैंग्वेज, ग्राफर मीन्स होता है लिखने वाला. इट मीन्स दैट अगर आपको टिप्पणी लिखने का शौक है, या आप लिखते हैं, या कोई डिक्शन कोई बोल रहा है, मतलब कुछ इमला टाइप का, मैं आपको जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हो उसको, तो इसका मतलब क्या हो? आप लिखने वाले हो गए, तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे ग्लॉसोग्राफर. क्या कहलाओगे? ग्लॉसोग्राफर. और जो आपके पास ये आर्ट है ना, लिखने की आर्ट है, अगर मान लीजिए मैं चाइनीज बोल रहा हूँ, तो आप क्या चाइनीज लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, आपके पास कला नहीं लिखने की. क्लियर? तो अगर आप इंग्लिश को लिख पा रहे हो, तो वो जो क्वालिटी आपके अंदर है, उसको कहते हैं ग्लॉसोग्राफी. क्या कहते हैं? ग्राफी. ग्राफी मतलब होता है टू राइट समथिंग, ग्राफ से मतलब है, और ये जो ग्लॉसो का मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज को लिखने की जो कला होती, आर्ट होती है, उसको कहते हैं ग्लॉसोग्राफी. जो व्यक्ति लिखता है उसको कहते हैं ग्लॉसोग्राफर. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं ग्लॉसोग्राफ. क्या कहते हैं? ग्लॉसोग्राफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लॉसोग्राफ हियर? राइट, ग्लॉसोग्राफ का मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट विच टेल्स अस द मूवमेंट ऑफ द टंग. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप समझ सकते हैं, जो कि डॉक्टर के पास होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जो मूवमेंट ऑफ द टंग, यानी टंग का मूवमेंट कैसे हो रहा है, जिह्वा, जीभ का मूवमेंट किस तरीके से किधर किधर जा रही है, कैसे इसका मूवमेंट है, किस तरीके से, इसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, उसको कहते हैं ग्लॉसोग्राफ, इस तरीके से यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसको कहते हैं ग्लॉसोपैथी. क्या कहते हैं? ग्लॉसोपैथी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लॉसोपैथी? ग्लॉसोपैथी मीन्स होता है एक्चुअली अ टाइप ऑफ डिजीज रिलेटेड टू द टंग. एक जुबान से यानी जिह्वा से, जीभ से रिलेटेड एक बीमारी होती है
जिसको कहते हैं ग्लोसोपैथी। क्या कहते हैं? ग्लोसोपैथी। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको कहते हैं ग्लोसोलेबिया। अगर ग्लोसोलेबिया का मतलब आप जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमें वीडियो अच्छा लगा, कॉन्टेंट अच्छा था। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे।